माय प्लेजर। आप ये पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं? मैंने कहा ना पुजारी, ज्यादातर जहर ऐसे होते हैं जिनसे बचना ज्यादा मुश्किल नहीं होता अगर पेशेंट का तुरंत इलाज कर दिया जाए तो। यू नो, साइनाइड ही एक ऐसा जहर है जो अपना असर मिनटों में नहीं बल्कि सेकेंड्स में करता है। यानी कि हम ये रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल, ये रिस्क बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। और मेरे रहते हुए तो तुम बेफिक्र रहो भाई, चाहो तो मेरी ये बात ऑन रिकॉर्ड ले लो। आई बिलीव यू डॉक्टर, थैंक यू। लगता है पुजारी ये केस सॉल्व किए बगैर मानेगा नहीं। अरे साहब, ये क्या कर रहे ले? ये ग्लास वास ये प्लेट में रख रहे ले? चुप। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। अवलदा साहब, यो एक गिलास में ले लूं? हाथ दी मत लगाना। अरे यो एक गिलास पी लूंगा तो के घिस जाएगा, घूंटी पीऊंगा। लो भाई। अरे बांडिया, यो किधर ने चढ़ा गया? अरे ऊपर पार्टी चल रही लेना। अरे पार्टी तो नीचे चल रही है भाई। अरे पार्टी नीचे चल रहा था, अभी जिधर पुलिस वाला उधर पार्टी। इसका मतलब ऊपर दारू शारू। अरे अपुन जानते हैं पुलिस वाले को, सब एक जैसे ही है। पहले अपुन को लगा कि वो बचला दारू बाटली में डाल ले रहा, लेकिन ऐसा नहीं यार। सुनो कर, मैं यहाँ से बोतल लेता हूँ, मिलजुल कर पी लेंगे। हाँ अरे नहीं नहीं अपुन नहीं पिएगा। अरे पीड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तेरे को तो पहले ही बोला था उसने, दारू मत पी। यो हाँ, यो बड़ी वाली बॉटली ठीक रहेगी। यो ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बॉटली अपुन का वास्ते भी दो ना अंकल। अरे यो तू ले लेना, मैं दूसरी ले लेता हूँ। ले पकड़। आप मैं तो आप तो बोतल सजा रहे थे नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस ने मना किया फिर भी आप पीने की कोशिश कर रहे हैं चौधरी साहब। नहीं वो आपको पता है पुलिस कितना मारती है। एक काम करते हैं, आपको मैं ड्रिंक पिलाता हूँ एक। अरे भाई प्रमिला जी, आप भी यहाँ आ जाइए ना, अकेले में क्यों खड़ी है? आइए आइए। बब्बन। रघु। भाई गुस्ताखी माफ हो, मेरे आने से आपकी पार्टी में खलल पड़ गई, तो मैंने सोचा कि एक एक ड्रिंक हो जाए ताकि खोई हुई रंगत फिर से वापस आ जाए। क्या बात कर रहे हो पुलिस वाले प्राजी, यहाँ खून हो गया और इनको रंगत की पड़ी है? अजी पीने ना पीने से मरने वाला थोड़ी वापस आ जाएगा। प्रमिला जी, What are you up to, Mr. Pujari? मैं जब भी आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ आप मुझे शक की निगाह से देखने लगती। दिस इज नॉट माई, दिस इज योर ड्रिंक, टेक इट। कमला जी, मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप क्या कह रही हैं कमला जी, मैं आपके साथ कभी जबरदस्ती कर सकता हूँ? मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट। अच्छा? कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ भाई, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। साहब मैंने पीती दारू नहीं पीती मैं। आपने आज पार्टी में पिया नहीं है? मैंने नहीं पी साहब, नहीं मंजे या ये दो लोगों ने मेरे को फोर्स किया, जबरदस्ती की तो थोड़ी सी। मैं भी जबरदस्ती कर रहा हूँ, लीजिए देखिए आप कैसे मैं बड़ा वाला आया। तो क्या है ना साहब, अब जब पाप करने का ही है तो अभी बड़ा ग्लास क्या है, छोटा ग्लास क्या है ना। सही बात। पता है आप लोगों की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी? क्या? आप सब लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट किया। सर एक मिनट सर, सर मैं आपको क्या बोलती हूँ, मैं यह ड्रिंक नहीं पिएगी सर। स्वामी जी प्लीज। सर देखिए आप मेरे को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते ना सर। आपको नहीं पता है मैं फोर्स के अलावा क्या क्या कर सकता हूँ दुरई स्वामी जी, कर नहीं रहा हूँ। आप ऐसे बोलती, आप एयर फोर्स, आपकी मर्जी से हमको जाना खाना, आपकी मर्जी से चेकिंग होना, यह करना वो करना, हम इस पार्टी में आया गेस्ट, हमारे मर्जी हमको खाना क्या नहीं पीना क्या करना, आप ऐसे नहीं कर सकते सर। जरूर स्वामी जी, देखिए आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, अभी तक मेरा शक किसी खास व्यक्ति पे नहीं गया है, अगर आप इनकार करेंगे तो समझ रहे हैं ना क्या हो सकता है। सर ये शराब पीने की शक से क्या मतलब ही? कमला जी समझाइए ना इन्हें,
ओए नारियल, ये कोई भी बात बिना वजह नहीं कहते। अगर ये कहते हैं पी ले तो पी ले, वरना पुलिस वाले डंडे बहुत मारते हैं। अब बोल दूं तो चलिए एक चीयर्स करते हैं, बॉटम्स अप। चीयर्स। अरे पीजे पीजे। सरी आप नहीं पीती? दरे स्वामी जी, जिस दिन कातिल का पता चल जाएगा ना, उस दिन आपके साथ बैठ के बहुत पीऊंगा। मुझे लगता है इसको ना कमजोरी से चक्कर आ रहा है। क्या से? ओ, ये तो गिर गई। बेहोश हो गई। जहरा तो कमरे में। अयो, अयो, मेरे को अंधेरे में डर लगती। दरवाजे खोलो। खोलो दरवाजा। अयो। दरवाजे खोलो। पता नहीं यहाँ क्या क्या हो रहा है। मानपुरी बेचारी बेहोश हो गई है। पुजारी ऊपर से डॉक्टर को बुलाने गया है, और तेरे को पता है वो जो नारियल है ना, उसको सिक्योरिटी रूम में बंद कर दिया है। तू चिंता मत कर, रागिनी आती होगी पता करके। पर इसे क्या हुआ होगा? मुझे लगता है कमजोरी के कारण बेहोश हो गई है। नहीं रे, एकदम से पूरी नींद चढ़ा ली इसने, चढ़ गई होगी इसको। कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है? तेरा मतलब गुड न्यूज? नहीं, तीन तो पहले बच्चे हैं इसके। क्या बात कर रही है? हाँ। ए, क्या हुआ? वो कोई गुड न्यूज का चक्कर नहीं है, वो बेहोश हुई है जहर पीने की वजह से। जहर? मतलब इसने सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं, किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। मगर किसने? वो जो ड्रिंक हम लोग पी रहे थे ना, वो उनमें से किसी एक गिलास में किसी ने जहर मिलाया था। मगर किसने मिलाया होगा? वो नारियल है ना, उस पर शक है। तभी उसे सिक्योरिटी रूम में बंद कर दिया है। मैं तो कहती हूँ हम भी बाहर चलकर देखते हैं। हाँ चलो चलो, जल्दी चलते हैं। कौन? अयो कौन बोल हो? कौन? लो बॉय, डॉक्टर साहब। डोंट वरी पुजारी, शी इज परफेक्टली ओके। थैंक गॉड। ये रिस्क लेते हुए मैं बहुत डर रहा था डॉक्टर। वेल पुजारी, जैसे मैंने पहले कहा था, इसमें रिस्क तो था ही नहीं। मैंने तुरंत वॉमिटिंग करवा दी और सारा का सारा जहर निकल गया। वैसे भी दिस वॉज ए वेरी वेरी माइल्ड पॉइजन। मतलब कि हमले से कोई मर नहीं सकता? नहीं पुजारी, तो मैं इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। यू नो, अगर ये जहर किसी के शरीर में 3-4 घंटे तक टिक जाए तो उसकी मौत भी हो सकती थी। काइंड ऑफ स्लो पॉइजन। एग्जैक्टली। मोरओवर, ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता कि मौत किस वजह से हुई थी। इसका मतलब ये है कि मुन्ना को कोई जहर देके मार डालना चाहता। बस सर, आ रहा हूँ सर।
आपने देखा नहीं कौन था? उसने मुझे धक्का दिया और भाग गया। आप इस कमरे में क्या करने गई थी? एक्चुअली सबूत मिटाने। क्या सबूत? वो कहते हैं ना कि कत्ल करने के बाद कातिल मौका वारदात पे एक बार जरूर जाता है। कहीं आप भी? नहीं, I just went out of curiosity. Curiosity? आपने वहां किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर तो कोई नहीं है सर। ठीक है, आप लोग मैडम को लेके जाइए, इन पे अटैक्स आ रहे हैं। यस सर, यस सर। ड्रामा होने लाग रहा, कोई बतलाता ही नहीं यार। अरे अपना नसीब और भेजा दोनों खराब है जो इधर आ गया। अपन एकदम थकेला पार्टी है क्या? जहां चार यार मिल जाए वहीं बात। अरे ओ अंधे भाई, अरे तन्ने पता ऊपर के होने लाग रहा है? अपना मुंह बंद कर, दिमाग मत खराब किया कर। लो भाई, मैंने तो सरसरी पूछा था, जो बुरा मान गया। साहब को गुस्सा बहुत आ रहा है इसीलिए थोड़े परेशान। अरे सब वो ऊपर क्या चिल्ला चिल्ली हो रहे ले? वो ऊपर तमन्ना मैडम पे किसी ने हमला किया था। बोले तो अटैक। करेक्ट। पर यो हमला किया किसने भाई? पता नहीं किसने किया था, आप लोगों में से ही किसी ने किया होगा। हम लोगों में से कौन हमला करेगा? हम सब तो यहीं पर हैं। अभी यहीं पे हैं, उस समय पता नहीं कौन कहां था। अभी सब कहाँ हैं? सब यहीं तो हैं, बस वो कमला अंदर गई है मनवरी को देखने, और वो पिंकी और रागनी भी साथ में गए हैं, और दिलीप उधर वहाँ मेन गेट के पास खड़ा था, बाहर गया होगा कहीं, और बाकी ये दोनों यहीं पर हैं। सब पता है आपको कौन किधर था? वैसे उस वक्त आप कहाँ थे? मैं भी यहीं था। इन लोगों से पूछ लो आप। नहीं नहीं, मुझे आप पे पूरा यकीन है। वैसे आपके पास थोड़ा तंबाकू होगा? आप भी तंबाकू खाते हैं? कभी कभी। तो लगता है खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि आप खाते कम हैं और गिराते ज्यादा हैं। Are you okay? Yeah.
मैं इसको मारू इधर कौन कौन सामने आ बाप का बेटा तो सामने आ मैं नहीं डरती किसी से मेरे को मालूम मेरे को इधर क्यों बंद किया इसलिए कि मैं डर के मारे सब बताएगी मैं बताएगी मेरे को खोलो दरवाजे खोलो क्या बताएगा मैं सब बताएगी मैं बताएगी आपको किसने मारा कब मारा क्यों मारा कैसे मारा मालूम है तुम्हें अयो मेरे को सब मालूम मैं उनको एकदम साफ साफ बता देगी मैं मुन्नी भाई से बात की मुन्नी भाई अयो अयो मुन्नी भाई अयो अयो मोती अयो सर हाँ जी बताइए क्या तकलीफ है आपको सर ये कितनी देर चलेगा और क्या कितनी देर चलेगा मतलब हम लोग कितनी देर में निकल सकते हैं यहाँ से अजी वो तो डिपेंड करता है कि मुझे ये पता करने में कितना टाइम लगेगा कि खून किसने किया है ऐसे तो आपको 4 घंटे और लग जाएंगे तो क्या हम 4 घंटे यहीं बैठे रहेंगे अजी 4 घंटे क्या 10 घंटे भी लग सकते हैं 10 दिन भी लग सकते हैं अरे सर आप समझ नहीं रहे मुझे बहुत जरूरी काम जाना है कहाँ जाना है सारे सबूत मिटाने आप बिना वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं जी मैं तो मजाक कर रहा था आप तो बुरा मान गए दरवाजे खोलो ये आवाज किसकी थी ये बेचारे नारियल स्वामी जी के चीखने की आवाज थी बेचारा क्यों वो क्या है कि हम पुलिस वालों को जब तहकीकात करनी होती है ना तो कमरा बंद करना जरूरी हो जाता है अरे मैंने बहुत देखी है ऐसी तहकीकात मुझे मालूम है अंदर वो नारियल वाले को मार मार के खून उसने किया ये उगलवा रहे होंगे बहुत देखे हैं ऐसे टॉर्चर मैंने अच्छा आपने बहुत देखा है अरे वाह चलिए स्वामी जी की बात तो बाद में करेंगे पहले ये पता करते हैं आपने देखा क्या क्या है जैसे अभी आपकी तो इतनी उम्र भी नहीं हुई है कि आपको छड़ी रखने की जरूरत पड़े और यहाँ पे ना तो सूरज की रोशनी है ना ही आपकी आंखों में कंजंक्टिवाइटिस फिर इस काले चश्मे की भी जरूरत नहीं देखिए आप एक असहाय का एक अंधे का मजाक उड़ा रहे हैं अरे नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगा मैं तो बस यूं ही ये तो कमाल हो गया मैंने तो सोचा था कि आपको दिन में तारे दिखाई देंगे आपको तो सब कुछ दिखने लगा